जय श्री कल्कि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक साथ कई मुस्लिम मोहल्ले सुलग गए। 20 शहरों में आग की वो कांड देखने को मिली, ऐसा अग्निकांड जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अंग्रेज वर्सेस मुस्लिम की अब ये नई लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ पर वो बताऊँ, सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 तारीख को यानी 8 अगस्त 2024 को जापान में एक ऐसा भूकंप आया जो 7.1 रिक्टर स्केल का था। इमारतें भी गिरी, गाड़ियों को नुकसान भी हुआ, सड़कों में भी दरारें आईं। लेकिन इन सब बातों के साथ ही ये बातें बताना भी ज़रूरी है, आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि अब तक केवल और केवल हिंदू मंदिरों पर प्रहार हो रहा था, हिंदू मारे जा रहे थे और अब भी मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम मोहल्लों में आग लगी है, सुलग उठे हैं 20 शहर। ब्रिटेन में लग चुकी है वो आग और शुरू हो चुका है वो गृह युद्ध, जिसका अंजाम आगे जाकर भीषण संग्राम में परिवर्तित होता चला जा रहा है। अंग्रेज वर्सेस मुस्लिम, जी हाँ, ब्रिटेन के लीड्स में लगातार एक के बाद एक ऐसा अग्निकांड देखने को मिल रहा है जिसमें मुस्लिमों के मोहल्ले पर आक्रमण किया गया और घरों को आग के हवाले कर दिया गया। तो 20 शहर ब्रिटेन के सुलग रहे हैं आग में, जल रही है वो आग जो कब बुझेगी किसी को पता नहीं। बस अब लगता है लंदन में भी तख्ता पलट होने का इशारा इसी ओर आ रहा है। लेकिन पहली बार लोगों को सुनने को मिल रहा है कि जी हाँ, मुस्लिम मोहल्लों में भी आग लगी है, वरना अब तक तो केवल और केवल हिंदू गण ही निशाने पर थे। अब आने वाला समय जो बहुत भयंकर कांड का संकेत दे रहा है, ऐसी घटनाएं जो अब घट रही हैं वो इसलिए घट रही हैं क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वैसे भी कहा गया है कि 13 मुस्लिम कंट्रीज एक साथ होंगे और भारतवर्ष पर आक्रमण करेंगे, लेकिन वो जब करेंगे तब करेंगे। आज जो घटना मैंने सुनाई, बहुत सारे जो हिंदू हमारे बहन भाई हैं उनको अच्छा लग रहा होगा कि हम मुस्लिम मोहल्लों पर भी अब आक्रमण होने शुरू हो गए हैं। लेकिन चाहे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मारे जाएं या मुस्लिम, ये मारकाट बंद होनी चाहिए। लेकिन ये बंद होगी तो फिर चारों तरफ शांति भरा माहौल छा जाएगा। अगर ये मारकाट बंद हो गई तो फिर युग परिवर्तन हो जाएगा, जो इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों को अभी वो सबक पढ़ाना है भगवान कल्कि को, जो सबक अभी तक मानव जाति ने नहीं पढ़ा होगा। जी हाँ, अभी केवल और केवल झलक दिखला रहे हैं भगवान कल्कि महाकाल, आने वाले महाविनाश को लेकर केवल झलक झांकी है, केवल ट्रेलर मात्र है कि आने वाला समय कैसा होगा, जब जिस सोशल मीडिया के ज़रिए आज लोग आग की तरह किसी बात को फैला देते हैं, एक जगह से पूरी दुनिया में उस पर चलाई जाएगी कैची, यानी वो हो जाएगा बंद। तो जब इंटरनेट बंद हो जाएगा तो इंसान तो वैसे भी अपने आप को लाचार मजबूर पाएगा, लेकिन ये जो आग सुलग रही है क्या ये इतनी जल्दी बुझ पाएगी? जी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के हालात और ग्रह गोचर इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अब ये जो आग लगी है, एक के बाद एक शहर, गांव, देश सुलगते चले जा रहे हैं, कहीं पर भी शांति भरा माहौल नहीं है। हमारे देश में भी जो वक्फ कानून में संशोधन लाया गया,
उसे लेकर भी अब मोदी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट में आ गई है, क्योंकि सब लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। आने वाले समय में डेफिनेटली अगर ये बिल पास हुआ और उसके बाद इसको लागू कर दिया गया, बिल तो पास हो चुका है लेकिन अगर इसे लागू कर दिया गया तो मुस्लिम डेफिनेटली उतरेंगे सड़कों पर, ऑलरेडी चेतावनी दे दी है। तो आने वाला समय बेहद चेतावनीपूर्ण, जो हुआ था 1971 में ठीक उसी प्रकार से एक बार इसी समय होने जा रहा है, क्योंकि ग्रह गोचर वही इशारा कर रहे हैं जो आज दुनिया में हालात बने हुए हैं। कहीं पर इज़राइल और ईरान के बीच युद्ध, कहीं इज़राइल और हमास के बीच युद्ध, कहीं पर रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध, लेकिन निशाने पर केवल और केवल आम इंसान जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आज उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है, परिवार से बिछड़ना पड़ रहा है। लेकिन आज के समय में यदि कोई किसी को समझाने भी जाए तो किस प्रकार समझाए, क्योंकि जो समझाने जाएगा पहले उसको ही गला रेत कर मार दिया जाएगा। तो ये जो युद्ध की आग भड़की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब ये लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। कहीं पर अंग्रेज वर्सेस मुस्लिम, तो कहीं पर अंग्रेज वर्सेस हिंदू, कहीं पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कहीं पर हिंदू वर्सेस ईसाई। लेकिन ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं केवल और केवल इसका अंत है, वो है विनाश। जब तक ये महाविनाश खत्म नहीं होगा तब तक भगवान कल्कि की विनाश लीला भी नहीं खत्म होगी, और जब तक ये विनाश लीला नहीं खत्म होगी तब तक शांति भरा युग नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कल्कि ही जाने कि किस समय वो खत्म करेंगे इस महाविनाश की लीला को, क्योंकि इसमें केवल और केवल संहार ही देखने को मिल रहा है। चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, या दुनिया में फैले हुई आबो हवा, हर तरफ केवल और केवल विनाश और विनाश। धुआं, आग की लपटें, सांस लेने में लोगों को अब तकलीफें हो रही हैं, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि इतने मिसाइल्स और इतने बॉम्ब, इतने रॉकेट अगर दागे जाएंगे तो सोचिए कि हवा कितनी शुद्ध रह पाएगी। तो हवा भी अब हो गई है जहरीली। आने वाला समय जो एक पैंडेमिक को आने के लिए इनवाइट कर रहा है, ऑलरेडी इसके बारे में संकेत दिए जा चुके हैं। पता नहीं कब किस घड़ी कोरोना से भी भयानक वायरस धरती पर दस्तक दे दे। रहिए सावधान, सतर्क रहिए, सबके साथ बातें कीजिए, मिलिए जुलिए, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी को कभी मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।